आखिर क्यों ऑपरेशन से पहले हुई मरीज की लात घूसों से पिटाई। होश में आते ही मरीज ने बताई ऐसी सच्चाई कि सुनने वालों की उड़ गए होश। वजह जानकर आप भी खुद जाएंगे हैरान। डॉक्टरों ने पहले मरीज को किया बेहोश, फिर लात घूसों से कर दिया अधमरा। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत देख लोगों के उड़ गए होश। डॉक्टरों ने भी बताई असली वजह। बेहोश मरीज के साथ एम्स के डॉक्टरों ने की ऐसी घटिया हरकत कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गई खबर। वीडियो में आप भी समझे पूरा मामला। आमतौर पर ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्स मरीज की देखभाल करते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। मरीज को कोई तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन रायपुर एम्स में भर्ती एक शख्स ने वहाँ के डॉक्टर पर उल्टा ही आरोप लगाया है। शख्स का कहना है कि डॉक्टर ने उसे बेहोश कर खूब मारा है, इसी वजह से उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। एम्स का नाम देश के सबसे रिप्यूटेड अस्पतालों में होता है। सरकारी अस्पताल होने की वजह से सरकार यहाँ राज्य के सबसे बेस्ट डॉक्टरों की भी नियुक्ति करते हैं। ऐसे में एम्स में इलाज के लिए अच्छे अच्छे घरों से लोग आते हैं। बिलासपुर के रहने वाले तिलक हुसैन का अप्रैल में एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद उसके दाएं हाथ की नस डैमेज हो गई थी। इसी का तीसरा ऑपरेशन एम्स में किया गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद होश में आने पर मरीज ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। हो रहा था तेज सिर दर्द। ऑपरेशन के बाद जब मरीज को प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में लाया गया तो उसने तेज सिर दर्द की शिकायत की। दर्द की वजह से मरीज को काफी परेशानी हो रही थी। वो अपने बीबी से बार बार शिकायत कर रहा था लेकिन किसी भी स्टाफ ने उसकी मदद नहीं की। रात को 11 बजे जब डॉक्टर वार्ड में आए तो मरीज ने उनसे कहा कि उसे ऐसा लगता है कि बेहोशी में उसके साथ मारपीट की गई है, उसके बाल लोचे गए हैं। ये सुनते ही डॉक्टर ने अपना आपा खो दिया और उसी समय मरीज को दो थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर ने दी ऐसी सफाई। इस हादसे के बाद मरीज और उसकी पत्नी दोनों ही हैरान रह गया। उन्होंने इसकी शिकायत मैनेजमेंट से कर दी। इस पर डॉक्टर ने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मरीज ऑपरेशन के बाद बार बार बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था और स्टाफ से बदतमीजी से बातें कर रहा था। जब उसे रोका गया तब उसने ऐसे आरोप लगाए। हालांकि मरीज और उसकी पत्नी अपनी बात पर अडिग है और स्टाफ पर भी डॉक्टर का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया भर में हजारों अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में हर रोज अनगिनत केसेस आते हैं जिसमें कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा होता है और हर किसी की परेशानी को दूर करना डॉक्टरों का काम होता है। वैसे इस केस में कितनी सच्चाई है क्या है इसके बारे में तो बाद में ही पता चलेगा। आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं और आपके अस्पतालों से जुड़े कोई ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप यहाँ हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर शेयर कीजिएगा। इस फेसबुक पेज पे नए हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अभी के लिए केवल इतना ही।